भाई साहब एलओसी कारगिल पार्ट टू आ रही है, आई मीन बड़ी कास्ट वाली मूवी, कुछ वैसे ही मर्डर मुबारक है जिसका टाइटल। इसी के साथ एक ऐसी अनटोल्ड बायोग्राफी आ रही है जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। सीधा हिस्ट्री से ले जाएंगे आपको 1942 के टाइम पर, जहां क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था। ए वतन मेरे वतन, इसको डेडिकेट कर रही ये मूवी आ रही है। तो ये दोनों मूवीज के ट्रेलर आ चुके हैं, उसको रिव्यू करेंगे। ऑनेस्टली क्या हमें यहाँ से मिल जाएगा, कितने प्रॉमिसिंग है ये हैं ट्रेलर्स, और कब कहाँ ये मूवीज हमें मिल जाएंगी, थिएटर तक जाने की जरूरत नहीं है, सब बताऊंगा ऑनेस्टली। तो उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब पहले मर्डर मुबारक के ट्रेलर की बात करेंगे। भारी भरकम कास्ट जिसमें देखने को मिल रही है, मेन लीड पर पंकज त्रिपाठी, देन उसके बाद विजय शर्मा, सारा अली खान एंड हॉटेस्ट ग्लैमर एवर करिश्मा कपूर भी देखने को मिलेंगे, डिंपल कपाड़िया, देन संजय कपूर, आदित्य रॉय कपूर, जाह्नवी कपूर। भाई बहुत बड़ी कास्ट है। लास्ट टाइम इतनी बड़ी कास्ट वाली मूवी हमने कौन सी देखी थी, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। डायरेक्टर हैं इसके होमी अदाजानिया, जिसके प्रीवियस सुपरहिट कंटेंट रहे हैं अंग्रेजी मीडियम, कॉकटेल और राबता जैसी मूवी। तो भाई साहब इससे भी ट्रस्ट बनता है, क्योंकि वैसी मूवी इन्होंने दमदार दे रखी है तो ये भी मूवी दमदार ही होगी। भाई फुल मूवी सस्पेंशनल थ्रिलर ड्रामा होने वाली है, जो बीच बीच में कॉमेडी एंड फन का पंच भी देकर जाएगा। मूवी में मर्डर हो जाएगा और तलाश उस मर्डरर की रहेगी जो हम में से ही कोई एक है, यानी भोली भाली सकल, चेहरे पे मुस्कान लेकिन दिल से हैवान। तो ये मूवी भाई दमदार लग रही है, जिसका कंटेंट है, जैनर जो भी फॉलो कर रहा है, ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, प्रॉमिसिंग है। ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। मूवी आपको 15 मार्च को मिल जाएगी, कहाँ पर, नेटफ्लिक्स पर। और इसके अलावा और कहाँ मिलेगी, आप बाखूबी जानते हो कहाँ मिल जाएगी। देन सेकेंड मूवी आ रही है सारा अली खान के मेन लीड पर, जो एक बायोग्राफी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होगा डेफिनेटली, पर इस मूवी के जरिए वो गोल्डन मोमेंट पता होना चाहिए और वो जरूर काम करते नजर आएगा। लेकिन हाइप नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन जब ये मूवी आएगी जरूर हाइप बनेगी एक बार के लिए। 1942 के टाइम जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों को भगाने के लिए, तब इस आग में और भी ज्यादा इस आग को तेज करने के लिए एक ऐसी ब्रेव गर्ल यानी बहादुर लड़की ने अपना भरपूर योगदान दिया था, एक ऐसे रेडियो चैनल को खोल के जो स्वतंत्रता सेनानियों को और हर एक भारतीयों को बहुत ज्यादा एक्टिव रखता था अंग्रेजों की काली करतूतों के खिलाफ, जो वो काम किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो भी कागज पत्रिकाएं थीं वो सब अंग्रेजों को फेवर ही करती थी। तो जिस वजह से लोगों को उतना लग नहीं रहा था कि अंग्रेज हमें हमारा शोषण कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, देन उस रेडियो चैनल की वजह से बहुत कुछ बदलाव आया और इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा आग मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा बूस्टर मिला है। देन उसके बाद अंग्रेजों को यहां से भागना ही पड़ा था, क्योंकि स्वतंत्रता की वो आग रोज धधकती थी इस रेडियो चैनल के द्वारा, उस बहादुर लड़की के द्वारा। वही रोल प्ले कर रही हैं सारा अली खान, मेन लीड पर हैं, जिसमें इमरान हाशमी का भी दमदार रोल देखने को मिल रहा है, जो बाय गॉड एक्टिंग से अपनी जादू बिखेर रहे हैं। दौर उस वक्त का है जब करो या मरो ये नारा सिर्फ जुबां पे नहीं दौड़ रहा था, लोगों के दिलो जहन और खून में दौड़ रहा था कि एनी हाउ हमें ये आज़ादी चाहिए, चाहे इसके लिए जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए। जो ट्रेलर में साफ देखने को मिल रहा है, वो यंग गर्ल जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि सारा अली खान जिस एज की हैं अराउंड 19 to 20 ईयर या 22 ईयर, अगर आपको इसके बारे में पता है और भी एग्जैक्ट एज तो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। लेकिन वो बहादुरी ऐसे दौर पर देखने को मिल रही है जहां अंग्रेजों की क्रूएलिटी का कोई जवाब नहीं था, जिस हद तक हो सकते थे वो उस हद तक क्रूअल थे उस समय। तो भाई साहब ट्रेलर प्रॉमिसिंग है, वेट है मूवी का, और मूवी हमें कहां मिलेगी अभी बताऊंगा। डायरेक्टर है इसके कनन अय्यर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं, करण जौहर का भी नाम है इसमें। प्रॉमिसिंग है ट्रेलर, 21 मार्च को ये मूवी हमें देखने को मिल जाएगी, कहाँ पर, अमेजॉन प्राइम पर। तो आपने अगर दोनों मूवीज के ट्रेलर नहीं देखे हैं, जो शायद नहीं ही देखे होंगे क्योंकि इनके व्यूज उतने ज़्यादा नहीं हैं और हाइप भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दोनों मूवी जो कंटेंट फॉलो कर रही हैं वो बिल्कुल भी स्टोरी ड्रिवन है, जो एक आपके होश उड़ा देगा और एक बहुत ज़्यादा आपको वैल्यूबल लेसन दे के जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे के जाएगा। तो भाई वेट करते हैं, ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद। Thank you.